ये चाकू थे उनके पास जनाब, और इस चाकू से ये जेबें काटते हैं। चलें जी, ये पुलिस वाले इसको लेके जा रहे हैं, और ये जेब कतरा था, और इसको थाने में लेके चलें। आप इधर आ जाए, इसको थाने में लेके जा रहे हैं। चावल ले रहे थे ये मोबाइल जेब से, इसने निकाला है। जब इन लुका रहा था ना, मैंने देख लिया मोबाइल से, मैंने पकड़ लिया, तो इसने चाकू निकाल लिया। वो कहता मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं वरना आपको मार दूंगा। अब ये सारे भाई जो है दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आते हैं सलाम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जेब कतरों का जो गैंग है वो बड़ा मुतहरिक है, पूरा गैंग है। और ये दो रोज डेली काम करते हैं, ये दो मिनट के लिए पकड़ते हैं, यहाँ से वहाँ लेके गए, बस छोड़ दिया। ले जी, ये एक जेब कतरे को जो है पकड़ लिया गया, और ये देखे जी ये क्या कर रहे आपका भी चोरी हुआ। अच्छा एक मिनट ताहिर साहब, गल सुनो, बहुत सारे वाकियात ने इस तरह जेब कतरे बहुत ज्यादा थे राशि ये चाकू देखे इसके पास, ये मोबाइल किसने, तुम्हारे दूसरे लड़के किधर है, गैंग के किधर है आपका, हमारा कोई गैंग नहीं है, हमारा कोई गैंग नहीं है। चले जी, ये पुलिस वाले इसको लेके जा रहे हैं, और ये जेब कतरा था, और इसको थाने में लेके चलें। आप इधर आ जाए, इसको थाने में लेके जा रहे हैं, थाने में लेके जाए। मोबाइल मिल गया आपका, छोड़ दे थाने ले जाए, इसको थाने ले जाए। ये देखें जी, ये जेब कतरा है, और ये चाकू चेक करें जरा, यहाँ पर बहुत सारे छुरी मारन दिया है। कैसे चावल ले रहे थे ये मोबाइल जेब से, इसने निकाला है। अच्छा। जब इन लुका रहा था ना, मैंने देख लिया मोबाइल से, मैंने पकड़ लिया। अच्छा। मोबाइल से मैंने पकड़ लिया अपना। हाँ। तो इसने चाकू निकाल लिया। अच्छा। वो कहता मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं वरना आपको मार दूंगा। देखें जी, पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, वो देखें जी, पुलिस वाला लेके जा रहा है इसको, और ये जेब कतरा था। और यहाँ पर जायरीन जो है वो सलाम करने के लिए आते हैं लाहौर में। और कहाँ से आए हम? कोट अब्दुल से आए हैं। ये भाई वहाँ से यहाँ पर आया, और ये क्या सबक लेके जाएगा कि जी मैं दरबार गया था सलाम करने के लिए, और मेरी जेब काट ली गई थी। जेब बच गई आपकी? नहीं, जेब बच गई है, जेब तो बिचू नहीं आ गया यार, समझ नहीं आ रही। जेबें काट वाला लगे ना, तो बिचू जेब चुकाड़ के ले गया यार, मेरा मोबाइल किधर गया? मैं क्या बंदा कोट वाला पक्का मेरे खड़ा है, इन फार तू ले के भज ले पीछे पीछे खड़ा नहीं आ गया था, मोबाइल लगा कर आ गए हो गए जिदो चावल है। आपको पता नहीं चला? जैसे मैंने हाथ निकाला जेब को, पता चला, मैंने कहा इनको बोला मैंने मेरा मोबाइल गायब हो गया, इन्हें क्या तेरे नाल खड़ा बंदा तो मैं खड़े मोबाइल अपनी जेब ही पान लाग पेशाबर में डाल के। आपको पता ही नहीं चला? जी पता, चावल ले रहे थे, चावल ले रहे थे, लंगर ले रहे थे। हां जी, ले रहे थे, थोड़ा सा ख्याल करो मेरे। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। दो तीन सर इसके पास चाकू भी थे, दो तीन। हां ये देखें जी नाज़रीन, ये चाकू देखे जरा, और ये चाकू थे उनके पास जनाब, और इस चाकू से ये जेबें काटते हैं। और यहाँ पर एक और भाई था, वो भी बता रहा था कि जी मेरा मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन ये लम्हा फिक्री है जनाब। अब पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ पर फिरते रहते हैं, लेकिन चेक इन बैलेंस नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं पकड़ते जो के लोगों की जेबें काटते हैं। अब ये सारे भाई जो हैं दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आते हैं सलाम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जेब कतरों का जो गैंग है वो बड़ा मुतहरिक है। ये इतने बड़े बड़े चाकू हैं, अगर कोई बात करता है तो आगे से चाकू मारते हैं उसको। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, ये इसने का गैंग ही होता है ये, ऐसा ही का इधर बहुत तो ज्यादा। पुलिस वाले कुछ नहीं करते, बस पुलिस वाले भी पकड़ते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं करते, इसमें ये नाकाम है, ये कहते हैं दो मिनट के पकड़ते फिर छोड़ देते हैं, पूरा गैंग है। और ये दो रोज डेली काम करते हैं, ये पुलिस का कुछ करें वरना बहुत चोरी हो रही है। अपनी बिच बचा लेना, जेब पीछे बंदा खड़ा है तो ध्यान नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस बिल्कुल दो मिनट के लिए पकड़ते हैं, यहाँ से वहाँ लेके गए, बस छोड़ दिया, ऐसे ही, बस ऐसे ही होता है, वहाँ से छोड़ दिया उसको, चला गया। पुलिस वाले कुछ कुछ भी नहीं कह रहे, पता नहीं क्या करते, पकड़ के लेके जाते हैं फिर छोड़, शायद मिले होंगे। इंतजामिया भी कुछ नहीं करती, पुलिस भी कुछ नहीं करती, ये तो उन लोगों का मामला है ना, उन लोगों को करना चाहिए। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के, ये देखें, ये चाकू पकड़े गए हैं उससे, और वो बहुत बड़ा एक समझ लें कि जेब कतरा था। और ये डेली बेस पे ये एक नहीं है,
यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जेब कतरे हैं। लेकिन पुलिस को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे जो मुतहरिक गैंग हैं, जेब कतरों के गैंग हैं, जो कि लोगों की जेबें काटते हैं, मोबाइल छीनते हैं उनसे, इनको पकड़े और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो नाज़रीन, जब आप भी दरबार पर जाएं मेला यानी कि दरबार पर सलाम के लिए या मेले ही देखने के लिए, तो अपनी जेबों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें, कहीं आपकी जेब भी ना कट जाए। तो आप देखते नहीं हैं, इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ आगाह कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।